हम पहुंच गए हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ से देख के बहुत सुंदर लग रहा है, मैं बता नहीं सकता उतना सुंदर लग रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया, तरोताज़ा एकदम, अलग ही फीलिंग है यहाँ आने की। मतलब जस्ट सी, वहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा मुझे लग नहीं रहा, वहाँ पर है पानी, वाटरफॉल है, और इधर पूरा पानी दिख रहा है, और नीचे से ज़्यादा सही आएगा। नाउ सी, यहाँ से अच्छा खासा वाटरफॉल है। अभी हम लोग जिधर से आए बस वही वाला पानी है, तो क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत गजब लग रहा है। अब मन कर रहा है अंदर जाने का, नहाने का। यही ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ से खाली करके बनाया है जैसा बनाया है, लेकिन ये पूरा पहाड़ है ऊपर से, और इसके ऊपर से ही आ रहा है पानी। अजान हम लोग के सब लोग हैं, और इधर एक शिव मंदिर है ये छोटा सा, तो ये कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, अपन तो नहा के आए नहीं हैं। अपन यहाँ नहाएंगे, इधर गहरा है तो उस तरफ जाके नहाएंगे। भाई जा रहे हैं नहाने अमलेश भाई, बाकी ये लोग हैं इधर तैराकी कर रहे हैं, ज़्यादा पानी है नहीं इधर। सब लोग गए इधर नहाने, मेरा भी प्लान था, लेकिन अब मेरे पास सामान है तो मैं अब नहीं जा रहा हूँ। आई वाज सपोज टू गो बट नाउ आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि नहाने के बाद कपड़े चेंज करना पड़ेगा, और फिर उसके हो सकता है गीले होके भी जाना पड़े। ठीक है, मैं बच गया। इस टाइम के बाद मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं बचा था, सब ने बहुत एंजॉय करा, मैंने भी नहाया, उसके बाद हमने घर के लिए वापसी करी। अभी मैं चला रहा हूँ, यशदी और कमलेश भाई चला रहे मेरी बाइक। बहुत टॉल है यार, मैं फर्स्ट टाइम कोई एडवेंचर बाइक चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं कितना ऊपर बैठा हूँ। बहुत टॉल है कसम से यार, बहुत टॉल है। फर्स्ट टाइम मैं क्लासिक 350 से हैवी कोई बाइक चला रहा हूँ, एंड इट ऑलमोस्ट वेव्स अराउंड 200 kgs, बट बहुत भारी लग रही भाई, चलाते टाइम तो नहीं लग रही। बहुत हाइट है यार कसम से यार, आई कांट टेल यू। लिटरली मज़ा आ गया ब्रो, ऐसा लग रहा आसमान में बैठा हूँ मैं। लगभग मैंने इसको अभी 15 किलोमीटर चला लिया है, और बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को चला के। मिरर्स भी इसके वाइड हैं हिमालयन से, हिमालयन का लो रेंज अच्छा है। बम्प पे से मतलब बहुत स्मूथ ग्लाइड होती है, मज़ा आ गया। मतलब मैं क्या कहूँ, वो हिमालयन भी होती होगी, मैं वो नहीं कहता, मना नहीं करता उस बात को, लेकिन इसमें यशदी में भी मज़ा आ गया, बराबर का मज़ा आ गया भाई साहब। एक तो मेरे को इसके मिरर्स बहुत अच्छे लगे, बहुत बढ़िया है, बहुत वाइड है, काफ़ी अच्छे मिरर्स हैं। बस एक चीज़ मुझे लग रही है, मेरे पैरों में थोड़ी गर्मी गर्मी लग रही है, इसी की वजह से, क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा होती है गाड़ी, और इसका रेडिएटर फ़ैन भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। दिस इज़ नेक्स्ट डे, मैंने यशदी ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर चलाई, वहाँ से लेके इंदौर तक मैंने पूरी बाइक चलाई। यशदी बहुत बढ़िया लगी चला के, मतलब मज़ा आ गया, लिटरली मज़ा आ गया, और मैं इतना एक्साइट इसलिए हो रहा था उसको चलाते टाइम, मुझे टॉल इसलिए लग रही थी, मेरे पास R15 है तो मुझे उसकी हैबिट है, तो मैं लीन होके चलाता हूँ। उसमें मैं बैठा था कम्फर्टेबली ऐसे, मेरे हाथ ऊपर थे, तो इसलिए मुझे थोड़ी वो ऊँची लग रही थी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, कम्फर्टेबल है, मस्त मज़ा आया मेरे को उसको चला के। और मुझे गर्म वो इसलिए ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मुझे रेडिएटर फैन R15 की आदत है, उसका बहुत कम आवाज़ करता है, छोटा है। यशदी में इसलिए इतना आवाज़ करता है क्योंकि उसका रेडिएटर फैन भी बड़ा है, इंजन बड़ा, हीट ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे लगा, बाकी कोई ऐसा चीज़ नहीं है। क्योंकि और भी गाड़ियों का देखा मैंने उसके बाद में, चेक किया तो उसमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा इंजन होने की वजह से ये इशू है। तो यशदी के बारे में अगर कभी और डिटेल्स में चाहिए तो कभी और वीडियो बना लेंगे, अभी तो बस इतना ही। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक गंगा महादेव होके नहीं आया है कोई, तो मस्ट विजिटिंग प्लेस इन मानसून, भाई मज़ा आ गया लिटरली। ऐसी जगह इन जनरल देखने को नहीं मिलती, वाटरफॉल तो ऑलमोस्ट सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये कुछ अलग था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून, बाय बाय।